الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم من مغرق خذ يدي ساهلا ناشك لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھیا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بذات ہے ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص جناب عالم جلیل حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب سیفی
जनाब हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद साबिर साहिब, जनाब हज़रत अल्लाह मौलाना डॉक्टर मोहम्मद ग़ुलाम मोहम्मद साहिब और हज़रत अल्लाह मौलाना बुज़ुर्ग आलमदीन मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहिब और दीगर भी मैं सब के अस्माए ग्रामी से वाकिफ़ नहीं, मगर तमाम उलमा को सलाम भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। अल्लाह पाक तमाम उलमाए हक़ का साया तादेर सलामत फरमाए और मसल के हक़ की मज़ीद खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आज का ये सालाना प्रोग्राम जनाब मोहम्मद इमरान साहब ने न्यू शरीफ कंपनी और उनके मुआवनीन दोस्त अहबाब ने मिल के हर साल उसका इनेकाद करते हैं, तो आज का ये प्रोग्राम बराए एहसान सवाब है पीर तरीकत राहबर शरीयत जनाब हस्ते किबला पीर सैयद मीर तैयब शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में भी खराज अकीदत एहसान सवाब के लिए और मोहम्मद इमरान साहब के वालिदैन मरहूम के लिए, उनकी एक भाभी जान भी उनका भी इंतकाल हुआ, उनके साले सवाब के और तमाम उम्मत मुसलमा हम जो मौजूद हैं, हमारे भी जो करीबी अजीज रिश्तेदार चले गए, हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं और करेंगे, इलाही सब की कामिल बख्शी फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, अपने नबी का सदका मौला हमारी आने वाली जिंदगियों को मज़ीद आसान फरमा, हर फितने से इलाही हमें पनाह अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अब बिला तमहीद में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, उम्मीद है तवज्जो और गौर से समाअत फरमाएंगे। चंद अल्फाज जो मैंने तिलावत की ये उसका तर्जमा मेरे अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने फरमाया, वारफा ना लका जिक्रक, अहबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना ये हमारा ईमान भी है, हमारे ईमान की जान भी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करते हैं और जिक्र करते रहेंगे, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे कि आका का मीलाद होता रहे। तो हम नबी की सूरत का, सीरत का, किरदार का, अफकार का, ख्यालात का, नबी के असहाब का, अजवाज मुताहरात का, अहले बैत रसूल का, सब का जिक्र करते हैं, नबी के ग़ुलामों का भी जिक्र करते हैं। तो हम पे लोग कहते हैं जी आप तो खुदा ने तो कहा है कि अल्लाह बज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है, तो आप जब भी देखें आप तौहीद की महफ़िल नहीं करते, आप अल्लाह की वहदानियत का जिक्र नहीं करते, आप अल्लाह की कुदरत का जिक्र नहीं करते, माज़ल्ला आप जो हैं अल्लाह की रहीमियत का, करीमियत का, उसके हय्यु क़य्यूम होने की बात नहीं करते, उसके मालिक यौम दीन होने की बात नहीं करते, आप जब भी देखें सरकार मदीना, मदीने के ताज, कभी मीलाद का जिक्र, कभी मेराज का जिक्र, कभी नबी के आने का जिक्र, कभी नबी के जाने का जिक्र, कभी नबी के बैठने का जिक्र करते हैं, तो आप अहले सुन्नत खुदा का जिक्र नहीं करते। मैं कहा कौन बदबख्त है जो खुदा का जिक्र नहीं करता है, इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि जो अल्लाह का जो खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राजिक है, उसका जिक्र, ये कैसे मुमकिन है कि अपने खालिक और मालिक का कोई जिक्र ना करे। नहीं शाह साहब आप तो हमेशा जब भी देखें मिलाद की महफिलें सजती हैं, मेराज की महफिलें सजती हैं, तो मैंने कहा दोस्त हकीकत बात ही ये है, हम जब भी जिक्र करते हैं या खुदा का करते हैं या खुदा के महबूब मुस्तफ़ा का करते हैं, हमारा तो ईमान ही ये है, तौहीद भी है और रिसालत भी है, हमारा ईमान ना तौहीद के बगैर मुकम्मल है ना रिसालत के बगैर मुकम्मल है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद और रिसालत दोनों के मानने वाले हैं, और अल्लाह से दुआ है या इलाही इसी कलमा हक पे हमें जिंदा रख, इसी कलमा हक पे हमें मौत अता फरमा। ये वो कलमा है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आखिरी कलमा कलमा तय्यबा हुआ, जिसकी ज़ुबान से मेरे नबी का कलमा जारी हुआ, खुदा की तौहीद और नबी की रिसालत की गवाही दी, फरमाया जैसे ही वो आंख बंद होगी उसको जन्नत का नज़ारा नज़र आएगा, फरमाया वो जन्नती है जिसने आखिरी कल दफ़ा कलमा शरीफ पढ़ लिया और उसके बाद जान दे दी। बल्कि वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाली वो हदीस बड़ी मशहूर है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू हुरैरा जाके ऐलान कर दो गलियों में कि जिसने एक मरतबा कलमे तैयबा पढ़ लिया वो सीधा जन्नत में जाएगा। वो फरमाया वो सीधा, बोलिए वो सीधा जन्नत में जाएगा, वो जन्नती है। वो कौन है? या अगर तवज्जो हो तो एक बात करूं, तो जो है आपकी तवज्जो का मुझे आपकी आवाज से भी पता चलेगा,
कि जिसने एक मर्तबा कलमा पढ़ लिया वो कौन है? जन्नती है। हमारे भाई हमारे दोस्त, आजकल ये नारा बड़ा आम है कि हर सहाबी ये नबी, ऊंचा बोलो ना, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये नारा मैं समझता हूं इस पे कोई शक नहीं, जो मेरे नबी के सहाबा को माज़ अल्लाह जन्नती नहीं मानता वो खुद जहन्नमी है। इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं कि जिसने मेरे नबी का, नबी के सहाबा को माज़ अल्लाह जन्नती ना माना वो कौन है? खुद जहन्नमी है। मगर बात नबी के, क्योंकि वो उनकी तो जन्नती होने पे शक ही कोई नहीं, उनके जन्नती होने पे शक कोई नहीं और उनके मुनकर के जहन्नमी होने पे शक कोई नहीं। लेकिन इस नारे को जो हमने, मेरे वालदे करीम फरमाया करते थे कि नबी के सहाबा को वो तो है ही जन्नती, कुरान तो कहता है वसाबिकून अलवलूना मिनल मुहाजरीना वल अंसार वल्लजी नत्तबउहुम, फरमाया जो उनके ताबे है ना वो भी जन्नती है। सहाबा का तो मकाम ही वराउल वरा है ना, जो उनके ताबे हो गया, जो सहाबा के नक्शे कदम पे चला। हत्ता के कुरान ने कहा वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा मना नास, फरमाया अल्लाह ने मायारे ईमान ही अपने मुस्तफा के सहाबा को मुकर्रर कर दिया। तो जो खुद मायार का ईमान हो, मायारे ईमान जिनको अल्लाह मुकर्रर कर दे, तो उनकी जन्नती होने पे शक कौन कर सकता है? उनकी वजह से हम जन्नती हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, सहाबा तो जन्नती हैं ही, उनके लिए जन्नती होने के नारा नहीं बल्कि उनके गुलाम जन्नती हैं। वो मायारे ईमान हैं और नबी के सहाबी जो फरमा रहे हैं ना, नबी ने फरमाया जाके ऐलान कर दो कि जिसने एक मर्तबा कलमे हक कह दिया, खुदा की तौहीद को माना, मेरी रिसालत को माना, दिल से तस्दीक की जुबान से इकरार कर दिया, फरमाया उसको कह दो वो जन्नती है। अब नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अर्ज की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर, फरमाया जाओ ऐलान कर दो, कमली वाले एडी सोखी जन्नत, इतनी आसान जन्नत, ये गल तो किसे मननी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ऐसे करो निशानी ले जाओ या रसूल सल्लम, क्या? फरमाया मेरी नालायन पकड़ो, जाके ऐलान करो जो ना माने उसको मेरी नालायन दिखा दो, उसको मेरी नालायन जूता मुबारक दिखा देना कि ये देखो मुझे नबी ने फरमाया है कि ये ऐलान है और ये मेरे नबी की नालायन है। अब ये भी पता चल गया जिसके हाथ में नालायन होती है वो जन्नती होता है। लोग कहते हैं जी नालायन सुन्नी बड़ा मत्थे ते लांदे, चलिया जन्नतियां दी निशानी है। नबी ने फरमाया जेड़ा ना मन्ने उन्हें मेरी नालायन दिखा दे, मेरा जूता मुबारक दिखा देना। हमने तब से, हमारे बुजुर्गों ने संभाल रखा है कि पता चल जाए, सर पे रखने को मिल जाए जो नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये नालायन को मामूली नहीं, ये जन्नतियों की निशानी है। तो नबी दो आलम सर फरमाया जाओ जाके ऐलान कर दो। अब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप ऐलान कर, हजरत एक जरूरी ऐलान सुनिए, मुझे नबियों के ताजदार ने भेजा, जिसने एक मर्तबा कलिमा पढ़ लिया, फरमाया वो जन्नती है। वो सहाबा देख रहे हैं, अबू हुरैरा क्या कहते हो? फरमाया ये देखो नाला है, नबी ने निशानी दे के भेजा है, नबी ने निशानी, अब ऐलान हो रहा है, सहाबी अपने वजद में ऐलान करते जा रहे हैं। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, आपने आके तो जैसे अबू हुरैरा करीब आए ना, आपने मुक्का मारा अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुक्का पड़ा। उमर ये क्या किया, ये नालायन है नबी की? आपने फरमाया भावे तेरे को नालायन भी है ना, मैं भी ठीक ही किया। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला रोंदे पीछा मुड़ गया, सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर ने मारे है। फरमाया क्यों? कमली वाला तुहाडे हुक्म के मुताबिक ऐलान किया है कि जिन्हें एक बारी कलमा पढ़िया कौन है? जन्नती। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा बुलाओ उमर नु, प्यारे यार सल्लम गुलाम आजर। फरमाया उमर आ अबू हुरैरा तेरी शिकायत पे लांदा, कमली वाला मुक्का भी मारे है। फरमाया तो ऐलान नहीं सुनिया? कमली वाला ऐलान भी सुनिया। फरमाया तो फिर तू मेरी नाले, कमली वाला निशानी भी वेख ली। तो फरमाया मारिया क्यों?
अर्ज की जी सोनिया एडी सौखी जन्नत पे दें दियो ते ये ऐलान मैं तां डकिया लोकां ने नमाज़ा भी छड़ जानियां ने लोकां इबादत ही छड़ जानी एडी सौखी जन्नत। तो पता ये चला उमरे फारूक की अपनी हिकमत अलग, बल्कि मैं जे तवज्जो होवे ते होर गल करां है तवज्जो। मैं एक मसला हल करन लगा, लोग बातें करते हैं हदीसे किरतास पे कि जी नबी दुआलम सल्लम ने रवाफिज कहते हैं ना जी नबी दुआलम सल्लम ने कागज कलम मंगवाया उमर ने आने ना दिया तो देखे नबी के हुक्म के खिलाफ माजल्ला किया और उमरे फारूक ने जो है आगे क्या लिखवाना था जी अली की जो है वो खिलाफत और अली की विलायत और अली की खलीफा बिला फसल होना लिखवाना था तो उमरे फारूक ने नबी ने मांगा और हजरत उमरे फारूक ने कागज कलम नहीं ला के दिया और ना लाने दिया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है वरना अली पहले खलीफा होते। तो याद रखना ये वाकया है जुमारात का, मेरे नबी ने फरमाया कागज कलम लेके आओ तुम्हें मैं लिखवा दूं ताकि तुम क्यामत तक बाद में गुमराह ना हो जाना। तो उमर फारूक ने कहा या रसूल सल्लम हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। अब लोगों ने कहा कि जी देखें अली की खिलाफत को उमर ने रोक दिया नबी लिखवाना चाहते थे। तो मेरा ये सवाल है कि जुमेरात को ये वाकया मेरे नबी ने पर्दा फरमाया पीर के दिन जुमा हफ्ता इतवार और चौथा दिन बनता पीर। चार दिन मेरे नबी जाहरी तौर पे हयात रहे, उमर ने कह दिया, बाद में सहाबा भी चले गए उमर भी चले गए। अगर ये यही लिखवाना होता तो नबी बाद में चार दिनों में अली से कहते अली ले आओ। चार दिन अली पास रहे, अहले बैत रसूल पास रहे तो नबी कह देते कि अली माज अल्लाह उमर ने लाने नहीं दिया, अब उमर तो नहीं है तुम तो हो ना, और अली को लिखना भी आता था तो अली से नबी लिखवा सकते थे। पता ये चला नबी ने बाद में ना लिखवा के उमर फारूक के फैसले की तायीद की, उमर फारूक के फैसले की। अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो फिर मेरा सवाल ये है, अगर ये दीन का इतना ही अहम काम था तो फिर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम इस आयत के आने से पहले नबी को चाहिए था ये हुक्म लिखवा जाते। फिर ये नबी की तबलीग रिसालत पे एतराज है। और दूसरी बात ये याद रखिए, मेरे नबी ने जब उमरे फारूक ने अबू हुरैरा को मुक्का मारा तो बाद में नबी ने कहा उमर माजला तुमने गलत किया, हुक्म मेरा था ऐलान मेरा था तुमने क्यों रोका। मगर जैसे ही उमर फारूक ने कहा अर्ज किया मेरे नबी ने उमर फारूक की इस बात की तईद में अबू हुरैरा को दोबारा नहीं भेजा। पता ये चला उमर जब भी कोई बात करते हैं मेरा मुस्तफा उमर की तईद, वही तईद अबू हुरैरा के पास थी, वही तईद जो है मेरे नबी ने हदीसे किरतास में उमर फारूक की। लेकिन रह गई बात कि नहीं जी खिलाफत ही लिखवानी थी। मेरा तीसरा सवाल फिर ये होगा, अगर खिलाफत ही लिखवानी थी तो पूछे ना जरा इन इनसे कि मुझे बताओ कि खुम्मे गदीर पे मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका ऊंची बोलो ना, जिसका मैं मौला उसका, यहाँ जो हमारे दोस्त हैं वो मौला का मैंने खलीफा बिला फसल करते हैं कि जी अली नबी ने खुम्मे गदीर पे हाथ उठा के कह दिया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। शादी देखे यहाँ खिलाफत अली का ऐलान है। मैंने कहा दोस्त अगर ये खिलाफत अली है, ऐलान खिलाफत हो चुका था, वहां पे एक नहीं दो नहीं दस नहीं सौ नहीं हजारों सहाबा मौजूद थे। जब ऐलान इतना बरमला था तो पर हदीसे किरतास लिखवाने की जरूरत क्या थी, या फिर कहो वो ऐलान नहीं था, या फिर कहो ये तुम्हारा गलत इस्तेमाल, या फिर उसका इनकार करो कि वो ऐलान खिलाफत नहीं था और ये फिर कहो कि यहां लिखवाना था, अगर वो हो चुका तो यहां लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये है, ना वो अली की खिलाफत का ऐलान था ना ये अली की खिलाफत की तहरीर थी। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि शाहजी क्या लिखवाना था तो उमर ने कहा हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है,
तो मुझसे पूछे कोई कि क्या लिखवाना था, तो मैं ये कहूंगा नबी ने बुला के अबू बकर के खिलाफ ते बिला फसल लिखवानी थी। जब उमर ने कहा ना कि या रसूल अल्लाह कुरान काफी है, तो नबी ने कहा हाँ कुरान काफी है खिलाफ ते अबू बकर के लिए, क्योंकि मिनन नबी ही ना वो सिद्दीकीना, अरे नबी के बाद मकाम ही सदीक आता है, नबी के बाद मकाम सदीक आता है। हम तो सबके मानने वाले हैं, हम तो ये उनकी अपनी बातें हैं, हमारे लिए कुरान काफी है, मुस्तफा का फरमान काफी है। हम दो नंबरी नहीं करते, जिसकी नबी से निस्बत हो हम उसका एहतराम करते हैं, चाहे वो आल हो वो अजवाज हो, हम अपनी अकल और फिक्र को वहां खत्म कर देते हैं जहां कुरान का हुक्म आ जाए, मेरे मुस्तफा का फरमान आ जाए। हम कोई किसी ना अहले बैत के मुनकर, आजकल तो हमारे तमाशा बन गया, जिदा दिल कर दे वो अपनी मर्जी दा दीन फैलाई फिर दे। नहीं, दीन किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी काजी, किसी मुल्ला, किसी फकीर, किसी मुहद्दिस, किसी सरदार, किसी वडेरे, किसी नंबरदार, किसी वजीर वजीर आजम के घर का नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह ने कुरान में उतारा, दीन वो है जो मेरे मुस्तफा की जुबान, हम उसी को दीन मानते हैं। हाँ, तशरीह ताबीरात अपनी है, फरुआत में जितनी मर्जी मान लो, असूले दीन में हम किसी और को नहीं मानने के लिए तैयार, हम उसको मानते हैं। अब हमें कुरान ने बताया कि ना तुमने आल का दामन छोड़ना है, ना तुमने असहाब का एहतराम छोड़ना है, तुमने सिर्फ मुस्तफा की निस्बत को देखना है। मेरे नबी की निस्बत कायम है, वो अबू बकर से भी कायम है, वो उमर से भी कायम है, वो उस्मान से भी कायम है, वो अली से भी कायम है, ये तो और नबी के अजवाज से भी काम है। हम तो नबी की निस्बत देखे, हम तो 14 सदियां गुजर गईया ने दोस्त, याद रखना किनिया सदियां, 14 सदियां। आज भी मैनू जो तो मैं रोटी खान लगा, मोहम्मद इमरान साहब किधर गए, इन्हों पूछो, इन्हें मैं देसी मुर्गा लिया के दिता, इन्हों पूछो इन्हें क्या पीर जी आ वेखो मुर्गा शरीफ पक्का जी, पूछो इन्हों क्यों जी मौलाना तुसा भी नाल सी, इन्हें आख्या मुर्गा शरीफ है, नहीं रोटियां ने सालन करेले भी पकते ने, टींडे भी पकते ने, पिंडिया भी पक, कभी किसी आख्या जा करेले शरीफ लै आ पिंडी शरीफ, कभी किसी आख्या, बोलो जदों गल हुंदियां ने कद्दू शरीफ लैके आया, कद्दू शरीफ लै, बंदा पूछे टींडा बदमाश है हैं, टींडे ने 18 करोड़ ले लिया इन वोट देने का, वो करप्ट है पनामा चो दी कंपनी निकल आई है, टींडा बदमाश नहीं हैगा, टींडा भी पाक है, मगर हम उसको पाक कहते नहीं, हालांकि है वो भी पाक, मगर जब कद्दू की बारी आए ना तो कहने कद्दू शरीफ लेके आए, वजह की है 14 सदियां बाद असी उस सब्जी नु भी शरीफ आने जिन्हू मेरे नबी ने 14 साल पहला पसंद फरमा लिया, वो अज भी शरीफ है। तो सामी ने वो सब्जी भी शरीफ है, ते जे सब्जी शरीफ है ते मेरे नबी दे असहाब दी शराफत दा मकाम की होगा, मेरे नबी दे अजवाजे मुताहरात, मेरे नबी दी औलादे पाक, मेरे नबी दे अजदादे पाक, जिथो सोना लंघ जाए ना थां भी पाक है, रावा भी पाक ने, जड़े जगह भी पाक है, अहले सुन्नत दा कीदा वे अरब शरीफ तो सदके जाए। शरीफ तो सदके जाए जिथे बकरियां यार चरा आया, वे कदम कदम ते मैं बोसे देवा, जिथे तलियां थे तलिया यार ने आया, सारे मिलके मैं
मेरे नाल आको असी नबी दी हर निस्बत दा एहतराम करन वाले भावे नबी दी औल होवे नबी दी अजवाज होवे मेरे पाक नबी दी अजदाद होवन मेरे नबी दी अजवाज मुताहरात होवन असी ते उस शहर उस जगह नाल भी प्यार करने आ उना रावां ते थावां नाल भी प्यार करने आ जेड़ा मेरे नबी दा गुलाम हो जाए जिदी निस्बत मेरे नबी दे नाल होवे सारे मिलके मेरे नाल आखो ओ अरब शरी तो सदके जाइए उची मेरे नाल आखो अरबी शरीफ तो सदके ऐदा ध्यान जरा मेरे अल करा इधर मेरे अल वे तो उची मरनी ते साइड ते हो जा उची मेरे नाल आखो अरबी शरीफ पढ़ो पढ़ो मेरे नाल अरबी शरीफ तो सदके जाइए कोई जिथे बकरियां यार पढ़ पढ़ यार उची हौली नहीं बोलना उची मेरे नाल आखना वे जिथे बकरियां यार चरा आया कोई कदम कदम ते मैं बोसे दे जिथे तलिया जिथे तलिया यार ओए जिथे तलिया यार होए ओए जिथे तलिया यार नेला याद रखना तू नबी दी निस्बत वेखनी है जिथे निस्बत रसूल उथे जुबान ना खोली 14 सदियां बाद भी कद्दू शरीफ है बंदे नु पुछो मौलवी साहब नु मौला ना एक कद्दू ओवे जेड़ा नबी पसंद कीता आखेगा नहीं जनाब एदे वर्गा इस जे नहीं इस जैसा था जिस जैसे को नबी पसंद करे उस जैसा 14 सदियां बाद भी शरीफ है मैं सदके जाओ ना बंदियां तो जेड़े सईदा नूं भौंकण लग पए ये भी एक नवा फितना हुण शुरू हो गया जदों दे एक ओ ने जेड़े असहाब नूं भौंकदे ने एक ओ ने जेड़े सादात नूं भौंकदे ने दोवें कुत्ते ने एक बूली एक गुलटरिया मैं तुहानूं सही पिया दस याद रखना ना नबी दी आल दे खिलाफ ना नबी दे असहाब दे खिलाफ सब दा एहतराम है जी नहीं जी सैयद वेखो जी सैयद इंज कर दे सैयद ओ कर दे सैयद फलां कर दे याद रखना हद कुफर है जो सादात की अजमत को खत्म कर देती है अगर कुफर नहीं अमल जिवें दा भी होवे उन्हां दी अजमत दा इनकार नहीं हो सकता या बल्कि अगर अमल दी वजह तो है ना तो फिर राफजियां दा अकीदा उन अजनबी दे असहाब दे अमल दी वजह तो ही पहुंचदे अमल की वजह तो जी फलां जंगे चाह होया फलां जंगे चाह होया सफी ने चाह होया जमल चाह होया वो जी वेखो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट ते बह के आईया अली दे खिलाफ आईया वो इस अमल पे सईदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके खिलाफ जो है वो दुश्मन तराजी करते हैं गुफ्तगू करते हैं जुबान को दराज करते हैं पहला तो बात यह है जो नबी की अजवाज के मुतल्लिक ऐसे जुमले बोले अरे तुम्हें सैयदा का ऊंट पे बैठ के आना तो नजर आता है तुझे अली का एहतराम के साथ भेजना नजर नहीं आता अगर तू अली का मानने वाला है तो वही अमल कर जो मौला अली ने किया हमेशा याद रखना अमल की वजह तो नहीं अगर अमल तो होवे तो नबी दे असहाब दे हुदूद भी जारी हुई हैं मगर नबी दे सहाबा दा एहतराम उनके अमल की वजह से नहीं मुस्तफा की मोहब्बत और निस्बत की वजह से उनका अगर कोई ऐसा अमल सरजद हो जाए इसके बावजूद हम खामोश रहते हैं उनकी तोहीन नहीं करते उनकी तोहीन करने वाले को मलून समझते हैं किसी नबी के सहाबी की तोहीन करे किसी अमल की वजह से तो हम उसको मलून समझते हैं उस पे मेरे नबी ने लानत की है इसलिए अमल ना सब नबी दे सहाब होन या नबी दी आल होवे उन्हां दी इज्जत अमल दी अगर अमल दी वजह तो होवे ना मेरे नबी दे एक सहाबी ने उन्हां सारी जिंदगी कदी नमाज पढ़ी है मैं पूरी जिम्मेदारी ना गल करना कोई जिंदगी च कदी नमाज नहीं पढ़ी
कदी उन्हें जिंदगी च रोजा नहीं रखा, कदी हज नहीं किया, कदी कुरान की तिलावत नहीं की। वाकया की है कि मेरे नबी जहाज ते गए ने, उन्हें कलमा नहीं पढ़िया, वापस मदीना शरीफ आए ने, हाले ईमान नहीं लिया, वेख्या तो बंदे को नहीं दिसदा पिया। पूछिया भी किधर गया, उन्हें आख्या नबी दे नाल जात, उत्थे खलोतिया मेरे नबी की मुहब्बत सीने च आ गई, नबी की मुहब्बत आ गई, उत्थे खड़िया खड़िया कलमा पढ़िया, नमाज पढ़न का मौका नहीं मिलिया, हज करन का मौका नहीं मिलिया, जकात देन का मौका नहीं मिलिया, कुरान की तिलावत का मौका नहीं मिलिया, सिर्फ कलमा पढ़िया, नबी नाल प्यार किया, नबी दे नां तो जान कुरबान कर दी। ओ मेरे नबी दे सहाबी अल्लाह की इज्जत की कसम, सारे नमाजियों नालों अफजल, सारे हाजियों नालों अफजल, सारे इबादत गुजारा नालों अफजल। क्यों? कि ओ मर्तबा उन्होंने इबादत तो नहीं मिलिया, मुस्तफा दी सहाबियत तो मिली। नबी दा सहाबी होना ही शान रखना, सारे अमल बाद विच नहीं, सारिया इबादतां बाद विच नहीं, वरना जिन्नी मर्जी कोई इबादत करदा रवे, जिन्नी मर्जी कोई सजदे करदा रवे, जिन्नियां मर्जियां कोई काबे दा तवाफ करदा रवे, चिल्ले कटे पर रब ना मिलिया। सारे मिलके मेरे नाल आखो, चिल्ले कटे पर रब ना मिलिया, ते की लैना चिलिया वाड़ के ते तस्बी दिले ना फिरिया। सारे बावाजे बुलंद मेरे नाला को, अल्लाह करे साडे दिल भी अल्लाह दी तौहीद, नबी दी मुहब्बत, नबी दी निस्बत दा एहतराम सदा मरण तक कायम रवे। मिलके मेरे नाला कोए, मिलके आखोए तस्बी फिरी दिले ना फिरिया, की लैना तस्बी फड़के ते बढ़िया इलम बिना सिखिया, कारी बन गया, हाफिज बन गया, आलिम बन गया, फकीर मुहद्दस बन गया, ओए मास्टर बन गया, पीएचडी स्कॉलर बन गया, मगर याद रख ले ओए ओए पढ़िया इलम ओए अदब ना सिखिया, ते की लेना इलम नू पढ़ के कर्ज करना पिया। जेड़े सादात दे मुतलक भी अमल दे पैमाने च जेड़ा उन्हां नूं परखदे ने, याद रखना नबी दिया गुलामा तेरे जिम्मे जेड़ा उन्हां दा अमल नहीं, वो जेड़ा बेअमल होवे तेरे वास्ते काबले तकलीद नहीं, मगर उहदा नसब मेरे नबी दे नाल है, मेरे नबी दी आल है, उहदे नसब दी वजह तों है। अगर बेअमल होवे ते काबले तकलीद नहीं, मगर एहतराम नबी दी आल दा उसे तरह है, हद्दे कुफर है जो उसके एहतराम को खत्म कर देती है। अगर हद्दे कुफर ना होवे ते हर मुसलमान ते नबी दी आल दा एहतराम लाजम। तो सामीने जी वकार अर्ज करना पिया, असी ते नबी दा, नबी दी आल असहाब दा जिक्र करने, असी नबी ते नबी दी आल असहाब दा, तो अर्ज करना से पिया, अचानक बात दूजे पासे चली गई, जी शाह जी तुसी खुदा दा जिक्र नहीं करदे, मैं क्या करने आ, कोई तेन नजर नहीं आता, शाह जी नहीं तुसा कभी तौहीद की महफिल कराई नहीं, मैं क्या केड़ा, ये सब तो वड्डी तौहीद ही नबी का मिलाद मनाना, मेरे नबी का शाह जी मिलाद अल्लाह की तौहीद किवें, मैं क्या इस वजह तो कि असा कभी अल्लाह का मिलाद मनाया ही नहीं, जेड़ा रब का मिलाद मनाए मुशरक काफर बेईमान
नबी का मिलाद मनाने का मतलब यह है कि हम खुदा की तौहीद का ऐलान करते हैं। अगर मैं गल नूं होर वजाहत अर्ज करा, याद रखना लोगों ने अपने भगवानों के जन्मदिन मनाए ने, कभी राम का जन्मदिन, कभी किसी हजरत ईसा अलैहि सलाम नूं जिहड़े माज़ल्लाह इब्नुल्लाह कहिंदे ने वह भी ईसा का जन्मदिन मनाते हैं। लोगों ने अपने खुदाओं के जन्मदिन मनाए, ईसा अलैहि सलाम नूं अल्लाह ने शान दी, हजरत ईसा अलैहि सलाम मुर्दे नूं जिंदा करदे सी, मुर्दे नूं कोड़ियां नूं ठीक करना, गैब दीआं खबरां देना, हुण मुर्दे जिंदा कौन करदा? बोलो यार तुसीं ते बिल्कुल ही जिहड़ा ना पत्थर बन के बैठे हो। मुर्दे जिंदा कौन करदा? जिहड़े मुर्दे हो ना बोलो, जिहड़े जिंदा हो बोल पवो। मुर्दे जिंदा कौन करदा? ए मुंडे नूं आ तू साइड ते पुत्तर बह जा, जे नहीं बोल सकदा तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। मुर्दे जिंदा कौन करदा? अल्लाह। जदों ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दा जिंदा किया ना, तो उन्हें वेखन आला होना कि तो माज़ अल्लाह खुदा है या खुदा का पुत्र है। अज तक कोई हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का बेटा कहते, मगर याद रखना मेरे नबी ओ ने जिन्ना जानदार नूं जिंदा नहीं किया, उन्हें बेजान नूं भी मेरे नबी ने जान अता कर दी। ईसा अलैहि सलाम की बड़ी शान है, जिंदा सी, मर गया, रूह लौटाई, जान रखता था, जान निकल गई, जान लौटाई, देखने वाले ने इब्नुल्लाह कह दिया, मेरे नबी ने जान लौटाई नहीं, जान नए सिरे से अता कर दी। अबू जाल आ गया, हाथे पत्थर फड़े ने, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसो मेरी मुट्ठी च की है? मेरे नबी ने फरमाया मैं दसा के आप ही बोलन, मैं दसा के आपे बोलन। उन्हें आखे ते बड़ा कमाल है, मेरे नबी ने इशारा किया, पत्थर बेजान होंदे ने, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर च अकल शऊर नहीं होता, पत्थर जेड़ा वो समझ नहीं रखता, मगर नबी ने इशारा किया, उस बेजान पत्थर को शऊर मिला, अकल मिल गई कि इशारा करने वाला कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह का आखिरी नबी है। अकल के बाद उसको शऊर के बाद उसको कुव्वत कलाम मिली, अरे पत्थर बोलता नहीं वो पत्थर बोला, और पत्थर बेजान होता है, जान भी मिल गई, अरे ईसा ने जान लौटाई, मेरे नबी ने जान अता कर दी। ईसा अलैहि सलाम तो ज्यादा बड़ा मौजज़ा है, बरनामती की पूछना मेरे नबी दी शानो, पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जान दाए, ओ पत्थरानू कलमे। ओ मेरा नबी से जिन्हें पत्थरानू बुला लिया, मैं तो अनु नहीं बुला सकता। ओ मेनू ना याद आ गई अपना मौलाना, ओ मेरे नाना जी रहमतुल्ला अलैह ना, ओ एक दिन नमाज वुजू करदे लेट हो गया, ते नमाज अजान दा टाइम हो गया, ते एक ना मुंडा बड़ा कॉलेज जाने लग गया बैठा वुजू शुज करके, फरमांदे ने काका अजान दे, कहिंदे पीर जी मैनूं ते शर्म आउंदी, फरमांदे ने जिहड़े बांगा देंदे सारे माज़ल्लाह बेशर्म ही ने। ओ चलिया बेशर्म ओह हुंदा जिहड़ा अल्लाह रसूल दा नाम नहीं लैंदा, गल समझो कि नहीं, बेशर्म हुंदा जिहड़ा रब दा जिक्र ना करे, जिहड़ा रसूल दा जिक्र ना करे, शर्मा वाली मां दा पुत्तर ही तां अल्लाह रसूल दा जिक्र करदा। इस वजह तो जिहड़ा चाका जे ना, अब वेखो सोशल मीडिया ते नून लीग वाले पीपल पार्टी वाले इमरान खान किवें लगे ने, बोलदे ने कि नहीं, एक नहीं बोलदे ते नबी दे गुलाम वेले नाल नहीं बोलदे, बाकी सारे बोलन लगे। तो खुदा वास्ते जिथे सियासी लीडर वास्ते बोलदे ने, उथे अल्लाह दे नबी वास्ते भी बोलिया करो। मिलके मेरे नाल आखो, पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जान दाए, ओ पत्थरां नूं कलमे पढ़ो मुंडिया मेरे नाल, ओए पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जान, ओ पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जान दाए, ओ सुकियां खजूरां उगा जान दाए, सुकियां खजूरां उगा जान दाए, ओ अन बोलियां नू, ओ अन बोलियां नू बुला जान दाए, ओ अन बोलियां नू बुला जान दाए, ओ गूंगियां नू गल्लां करा जान दाए, ओ गूंगियां नू करा जा करा जान दाए, दुनिया नू गल्ला
सामने जीवकार रज करना पिया। हजरत ईसा अलैह सलाम ने एक मुर्दा जिंदा कीता, वेखण वालियां ने खुदा कह दिता असी नबी दे ओ गुलाम आ, मेरे नबी ने पत्थरां नू कलमे पढ़ाए, मेरे नबी ने इशारा कीता डुबिया होया सूरज भी आ गया, मेरा नबी इशारा करे चन तोड़ के विखावे, मेरा नबी इशारा करे आसमान तो बदल जेड़े बसना शुरू हो जावन, मेरा नबी होवे। एक बंदा मेरे नबी दी बारगाह विच आ गया, एक कमली वाले मदीने दिया ताजदारा मैं तुहाडा कलिमा पढ़ा, ओ दरख्त तुहाडी गवाही देवे, मेरे नबी ने फरमाया जा उनू जा के कह दे तेनू अल्लाह दा नबी बुलांदा है, उस बंदे तो भी सदके जावा। दरख्त कोल जाके आंदा है, ओए दरख्ता तेनू अल्लाह दा नबी बुलांदा है, ओ दरख्त हिलिया चढ़ाऊ खेड़ के चलदा रींगदा होया मेरे नबी दी बारगाह विच आ गया। ओ मेरा नबी जरा पत्थरां कोलो कलमे पढ़ांदा है, दरख्तां नू बुलांदा है, जानवर जिस मरी नबी दे नाल गल्लां करदे ने, इसदे बावजूद असां नबी नू खुदा नहीं मन्निया। शाजी वजह की है? मैं कह चलिया अल्लाह दी तौहीद दी वजह तो, उहदी वजह ये वे असी असां अपने नबी दा मिलाद मनाने आ, जश्ने मिलाद ए मुस्तफा करने आ, कली कली करिया करिया नगर नगर बस्ती बस्ती असी नबी दा मिलाद मनाने आ, ताकि लोकां नू पता लग जाए ये जरा पत्थरां नू कलमे पढ़ाण वाला, मुर्दिया नु जिंदा करन वाला, ए चन तोड़न वाला, सुबिया सूरे बुलान वाला, खुदा नहीं तू के रब दी शान है वे। लमी अली दुवलम यूला दे, लमी अली दुवलम यूला दे, लमी अली दुवलम यूला दे, रब यो वे जिदा मिलाद नहीं हुंदा, मुस्तफा यो वे जिदा मिलाद हुंदा। असी तां नबी दा मिलाद मनाने आ चलिया ताके लोकां नु भुलेखा ना पै जाए, वरना सूरज निजामे कायनात नु कौन चलांदा है? बोलो उच्ची बोलो, अल्लाह। निजामे कायनात कौन चलांदा है? अल्लाह वहदहु ला शरीक। मगर मेरा नबी कोई शख्स वक्त रोक नहीं सकता, मेरे नबी नु अल्लाह ने शान दी थी रोक नहीं, बल्कि वक्त गया मेरा नबी लौटा दे। इसके बावजूद असी नबी नु खुदा नहीं मानते, क्यों? कि रब दा मिलाद नहीं हुंदा, लम यलिद वलम युलद। इससे बड़ी तौहीद क्या है? बयां में नुक्ता है तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में पुतखाना हो तो क्या कहिए। तो सामीने जी वगैरह सीधे नबी दा मिलाद मनाने आ, असी अल्लाह दा मिलाद नहीं मनांदे, क्योंकि लम यलिद वलम युलद, नौ दी मां नौ दा बाप, नौ ने किसे नू जन्म दिता, नौ दे विचों किसे जन्म लिया है। मुसलमाना याद रख ले, तेनू की पता वे तौहीद बारी ताला की है। असी नबी दा मिलाद मनाने आ जिहदी मां सैयदा यामिना वे, जिहदे बाप हजरत अब्दुल्ला ने, जिहड़ा मक्के विच पैदा होया, जिहदा मदीने हिजरत करदा है, ओ जिहदा चाचा हजरत अब्बास अबू तालब अमीर हमजा ने, जिस नबी दी औलाद सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कलसूम, सैयदा ज़हरा ने, जिदे पुत्र ने, जिदी आल औलाद है, वो खुदा नहीं हुंदा। असी मिलाद मना के दसने आ, भावे निजामे कायनात बदले, अल्लाह दी अता नाल बदलदा है, ए मुस्तफा है खुदा नहीं, वो मेरा खुदा है। ये साडा सुनिया दा कीदा है तौहीद है, ये साडा सुनिया दा कीदा है अकीदा है तौहीद है, तो अर्ज करना पिया ये भी ते अल्लाह दा जिक्र ही वरा फाना रब बंदे मैं बुलंद कीता है। रब की आंदा है मैंने नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया है सोनिया तेरे वास्ते। उन पता लगा जेड़ा जिक्र मुस्तफा करदा है रब दी सुन्नत ते अमल करदा है, और रब दी तौहीद है नबी दा जिक्र करना, ताकि लोगों नु पता लग जाए जिदा मुस्तफा एडी शान वाला ओदा खुदा किड्डी शान वाला। पूरा कुरान पढ़, रब ने भी ते फरमाया कद अंजल अल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। मेरे नबी दे जिक्र नू रब ने नाजल कीता है, साडा ते अकीदा ये वे खुदा का जिक्र करे, खुदा का जिक्र करे, और
जिक्र मुस्तफा ना करे मिलके जेड़ा अल्लाह रसूल दा मनन वाला है बार बार मैं तनु पैगाम देना अपने जुबान दे गुनाह में अल्लाह माफ कर देना नबी दा जिक्र करिया मिलके मेरे नाल आखो खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे कि मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना लबैक या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक लबैक। तो बरादरान इस्लाम इस वास्ते जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे ना मैं तुहाडे के सवाल करना बाबा फरीद दा नारा लाना बड़ी गल है खत्मे नबूवत ते तुसीं बोले ही नहीं बाबा फरीद वड्डा या नबी दी खत्मे नबूवत वो बाबे फरीद दी इज्जत मेरे नबी दी खत्मे नबूवत दा सदका ने तुसी समझदे हो रे बाबा बाबे फरीद दी इज्जत अल्लाह दी कसम मेरे नबी दी गुलामी दी वजह तो ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत खड़क के नारा लाया करो। तो साहब मीने जी वकार कुरान आंदा कद अनजल अल्लाह इलैकुम जिक्रन रसूला रब आंदा मैं नबी दा जिक्र नाजल कीता है तू ने जिक्र करो ही ना नबी दा जिक्र रब नाजल कीता है तो रैत पढ़ो तो जिक्र नबी दा जबूर पढ़ो तो जिक्र नबी दा अंजील पढ़ो तो जिक्र नबी दा जितने आसमानी सहायफ ने एक भी ऐसा सहीफा नहीं जिदे च मेरे नबी दा जिक्र ना हो। कुरान आंदा अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहु कमली वाले तेरे आउन तो पहला मैं तेरे जिक्र दा बुलंदी कर छड़िया हर आसमानी किताब अंदर तो रैत पढ़ो हजरत मूसा ने उम्मत का जिक्र पढ़िया मेरे नबी की कि कैसी उम्मत होगी जड़ी लखा गुनाह करेगी एक बारी सच्चे दिल नाल तौबा करे रब सारे ही माफ कर दे। जिस नबी की उम्मत का जिक्र मूसा ले या अल्लाह ये उम्मत मेनू दे दे रब आख्या ना तू मेरा कलीम पर वे उम्मत तेरी नहीं फिर जिक्र पहलियां उम्मत गुनाह करन ते शक्ल बिगड़ जान कोई बंदर बन जा कोई सूर बन जाए अज जी असि बचे हाँ ना ये नबी का सदका जे लखा गुना असि करने मगर शकर नहीं बिगड़ती या अल्लाह उम्मत मेनू दे दे फरमाया नहीं है तेरी नहीं तेरे लजपाल नबी मामूल अंबिया दी पहली उम्मत कदम कदम ते गुना बख्शिश औखी हो गई नमाज वास्ते खास जगह नबी आए ने जिथे दिल नमाज पढ़ो या अल्लाह उम्मत मेनू फरमाया नहीं या अल्लाह जे किदी उम्मत है फरमाया मेरे आखरी नबी दी उम्मत हजरत मूसा रज़ी या अल्लाह उम्मत एडी शान वाली है ते नबी किड्डी शान वाला या अल्लाह मेनू उस नबी दा उम्मती बना दे ऐ जे तेरी किस्मत सुनिया अपनी किस्मत ते नाज कर जिन्ना नबियां दुआ मंगी अल्लाह ने तेनू बगैर मंगियो अपने लजपाल नबी दा उम्मती बना छले अंजील आज भी लफ्ज मौजूद ने अंजील बरनाबास दे क्लेम इज नॉट द रियल अंजील लेकिन आज भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दे लफ्ज मैं दिखाने वास्ते तैयार हां कि लफ्ज ने हजरत ईसा दुआ मंगी ओ गॉड सेंड अस दाय मैसेंजर ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम क्विकली फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड या अल्लाह ओ सोना छेती कल देना ईसा अलैहि सलाम दी दुआ बल्कि जेडी जेडी मुस्तनद अनाजील ने ना लूका मैथ्यू यूहन्ना आज भी लफ्ज मौजूद नहीं कि जहोवा सर जहोवा हैब्रू च कह इबरानी च कहंदे ने रब नु खुदा नु
Jehovah said, I will put my words in his mouth. आज भी लिखिया कि रब ने आख्या मैं अपने लफ्जों दे मुंह च रखांगा। कदी ईसा ने दावा नहीं किया जो मैं बोला उदो खुदा बोलता है। ये कुरान आंदा वा मा यंतकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। ओ जदों पाक नबी बोले उदो ही खुदा बोलता है, उदो रब बोलता है। ये अंजील आज भी उन्होंने इंडोर्स कर दी है। केड़ी किताब है, केड़ा नबी है जिन्हें मेरे नबी का जिक्र नहीं किया? रब ने जड़े इंज जिक्र नाजिल किया, इंज रब ने अपने नबी का जिक्र बुलंद किया। तो जे कुरान पढ़िए ते हजरत रूमी कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला ले आप फरमांदे पे शद्दा मद्दा ते जेरा जबरा वे शान नबी विच आया लोता खबर ना काई खासा रमेजा पाया वे आम लोता खबर ना काई खासा रमेजा पा बोलन वाले बड़े बड़े अरबी जानन वाले अबू जाल बन गए। ओए फिलपदी हजारा शेर कहन वाले अबू जाल बन गए। मक्के पैदा होन वाले अरबी अदब नु जानन वाले ओए ओते अबू जाल बन गए। ओते अजम विचो होन वाला हबश विचो होन वाला बिलाल ओए आलिम बन गया है। वजह की है ओए जरूरी नहीं तेनु अरबियां सारियां आउंदियां वण, नबी दा प्यार होवे ते तेनु कुरान दी समझ आ जांदी है। वरना कातेनु की पता होवे शद्दा मद्दा ते जेरा जबरा वे शान नबी बिच आया वे आम लोकां खबर ना काई ते खासा रमजा पा कुरान पढ़ ले। मेरे नबी दे आउन दा जिक्र, मेरे नबी दे जान दा जिक्र, मेरे नबी दे बैठन दा जिक्र, मेरे नबी दे बोलन दा जिक्र। मेरा नबी आवे के अल्लाह दा कुरान आंदा है, कदी कुरान आंदा है कद जा कुम मिन अल्लाह नूर, कदी कुरान आंदा है कद जा कुम बुरहान मिन रब्बिकुम, कदी कुरान आंदा है लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज बा सफीहिम रसूला, कदी अल्लाह दा कुरान आंदा है पिया अजीजों ने अलै कदी अल्लाह दा कुरान दा बवदायन इल्लाही पे इज़्ज़ती वसीरा जम्मूनी पता होवे मेरा नबी बैत लवे ते कुरान आके यदुल्ला है फौका यह दी ही में, मेरा नबी कलाम करे ते कुरान आके बमा जानते को अनिल हवा इन होवा इल्ला वहयु युहा, मेरा नबी बुलावे ते अल्लाह दा कुरान आंदा है या अय्युहल्लजीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम, मेरा नबी आसमान वाले जावे ते कुरान आके सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दे ही, मेरा नबी होवे ओए जेड़ा मल रब नाल मुलाकात करे ते कुरान आके सुमदना फतद अल्लाह फकाना काबा कौसैन औदना, मेरे नबी दा दरियाए रहमत जोश विच आवे ते कुरान आके वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमी, मेरे
نبی دے بددعاہ چہرے دا ذکر قرآن کرے واللیل زلفان دا ذکر قرآن کرے علم نشرہ دے سینے دا ذکر قرآن کر دوئے وے پاک مدینے دا ذکر قرآن کر دے بڑے بڑے محبوب نے لوکاں نے بڑیاں تعریف اپنے یاراں دیاں کیتیاں اپنے محبوباں دیاں کیتیاں زلف دی تعریف ہے چہرے دی تعریف ہے حتیٰ کہ ہونٹاں دے لوکاں کیا بڑا شاہکار غالب دا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے کہ پتھڑی گلاب کی ہے میں کہ تینوں کی پتہ یووے کدی تو فکر رضا سمجھ لے فرما دے نے اوئے میرے نبی دے لب یو نے گلے قدس کی پتیاں دنیا دے اوتے لوکاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں یاراں دیاں بیلیاں دیاں محبوباں دیاں ایدی زلف انج دی ایدا چہرہ انج دا ایدے لب انج دے ایدی رفتار انج دی میرے آج تک میں کسے نہیں پڑھیا لوکاں اے تے آکھیا یار دی چادر بڑی سونی میں آج تک اے کسے نہیں آکھیا لیندا چادر بڑی سونے اوئے قرآن آندا ہے جدوں سونا بکل مارے نا چادر دا مقام ماکنا سونیا اے جڑی ادا اے نا انج سونیا جڑی چادر لئی آ نا یا یوحل مزملو سونی چادر لین والے کیڑا دنیا تے انج دا کوئی نہیں کہ نبی ٹرے تے قرآن بنے اج کل ہوندا ہے جویں بادشاہاں دی ریکارڈنگ ہوندی ہے کہ فلاں ڈیلیگیٹ بادشاہ سے ملنے آیا وزیر اعظم سے ملنے وزیر اعظم نے یہ کہا وزیر اعظم نے یہ کیا وزیر اعظم نے تقریر کی وزیر اعظم نے یہ ملاقات کی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا یہ ٹی وی ریکارڈنگ ہوتی رب نے آخیا سونے انج دی ریکارڈنگ کر دیں گا ٹی وی دیاں کیڈنگاں ختم ہو جان گیاں مگر جس سونے تو ٹرے گا تو قرآن ٹرن دا ذکر کرے گا بوے گا تو قرآن بہن دا ذکر کرے گا بولے گا تو قرآن بولن دا ذکر کرے گا بیت لمے گا قرآن بیت دا ذکر کرے گا نر لمحہ لمحہ رب نے ریکارڈ کر چھڑیا آیتوں سے ملاتا رہا تو نعت نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی مل کے میرے نال آکھو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں سارے کوئی چپ کر کے نہ بوے ایک قرآن تے میرے نبی دی شان ہے اپنی بخشش دا بہانہ بن جڑا ہے اللہ تانوں موقع دیندا ہے پیا مل کے میرے نال آکھو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی تو سامعین ذوالقار میں اختتام لے کے جانا چاہنا اگر گفتگو کریے تو نبی دی صورت سبحان اللہ نبی دی سیرت سبحان اللہ نبی دا کردار سبحان اللہ نبی دا بولنا نبی دی حکمت بڑیاں گلاں ایک ایک تے اگر گفتگو کریے تو طویل ہو جائے گی میں جڑی آیت کریمہ پڑھی بس ایک دو گل کر کے اجازت چاہواں گا رب ذوالجلال نے فرمایا سانو اندی نہ ذکر کیوں کر دیو اسی تاں کرنے آ سانو ساڈے رب نے آکھیا وا رفعنا رب کی آندا وارفا اچھی بولو وارفا 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 نا وارفا نا اے علماء تشریف فرما نے بس میں آخری گل کرن لگا کیونکہ صبح وقت بھی بڑا لمبا سفر جانا ہے نا بس اے گل سمجھ لو تے پھر اس تو بعد دعا کر دینا قرآن کی آندا وارفا نا ہم نے بلند کیا کس نے کیا ہم نے یہ کون پہ آندا ہے اچھی بولو اللہ کنے نے تے نا جڑے تے جمع نا جمع رب کنے نے یا اللہ تو کنے فرمایا خبردار دوجے دا سوچی بھی نہ بے ایمان ہو جائیں گا تیری بخشش نہیں ہونی جس نے شرک کیا وہ کبھی بخشا جا ہی نہیں سکتا اگر اس حال میں بغیر توبہ کے مر گیا الحمدللہ سی سنیاں سن بڑا پتہ ہے توحید کی ہے تے شرک کی ہے
असि किसे अल्लाह तो सिवा किसे दी इबादत नहीं करते, किसे दी पूजा नहीं, किसे नु सजदा नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह दी जात नु करदे। लोग साढ़े ते इल्जाम दें जी कबरां दे पुजारी चलिया सी ते नबी दे पुजारी नहीं, तू सानू कबर दा पुजारी पियांदे। हम तो पुजारी हैं सिर्फ अल्लाह वाहदहु ला शरीक। असी मैं अपने ना तालीमी सिज़ को मुलक तो बाहर रहा, लंदन पढ़ता रहा, मेरे नाल एक ना इंडिया की कुड़ी पढ़ती सी दिल्ली की, LLM का कोर्स करती सी पई मेरे ना, तो उत्थे ना जिवें इत्थे भी बाज़ का गल्लां शुरू हो जांदियां ने, मजहब दीन इस्लाम ये वो सारा गुफ्तगू शुरू हो जाती। असी उत्थे यूनिवर्सिटी कंटीन ते बैठे ना, तो कहंदी ये नकवी वी आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस, एवें असा 1947 च अलहदा अलहदा हो गए। मैं क्या एवें नहीं होए, मैं क्या वजह बनी आखे की, मैं क्या तुसी कई खुदावां नूं मन्नो सी, एक खुदा की पूजा करिए। मैं क्या रौला तो वेचे सी टू नेशन आइडियालॉजी, दो कौमी नजरिया, मैं क्या वजह यह बनी, मैं क्या तुसी हर शह की पूजा, असी सिर्फ एक रब की पूजा। कहंदी है नहीं, मैं क्या तू पत्थर पूजे, कहंदी है तुसी भी पूज दे। मैं क्या चल काम कर, मैं कितों पूजना। कहंदी है नहीं, तुम भी यू वर्शिप आइडल्स, यू वर्शिप स्टोन। मैं क्या ना बिल्कुल कोई मुसलमान पत्थर नहीं पूजता। कहंदी है असी बुत बना के पूजने, ते तुसी जरा मक्के घर बनाया पत्थर का नहीं, ओदे पुजारी नहीं। मैं क्या बीबी यही ते तेनू पता नहीं, मैं क्या तेनू नहीं पता। कहंदी है नहीं, तुम पत्थर के पुजारी, मक्के में तुमने घर बना रखा है, काला गुलाब उस पे चढ़ा रखा है, उसका तवाफ करते हो, उसकी तरफ सजदा करते हो, तो अगर तुम घर को सजदा करो तो तुम मोमिन। हम पत्थर के बुत बना के सजदा करे हम मुशरिक। वजह मैंने कहा इसलिए कि तुम उस पत्थर को खुदा समझ के सजदा पत्थर को करते हो। मैंने कहा हम मुंह काबे की तरफ करते हैं, सजदा काबे को नहीं, सजदा काबे के खुदा को। हम नहीं पत्थर के पुजारी, असी काबे अल मुंह करने हैं, असी आने मुंह तरफ किबला शरीफ, सजदा किबले काबे नु नहीं, मुंह तरफ किबला शरीफ। और वो भी ता करने हैं, फला नुवल्लियन्ना का किबला तन तरदा, वो भी मेरे नबी ने चेहरा कर लिया, वरना नबी चेहरा ना कर देते असा क्यों करना सी। ये तो मेरे नबी ने चेहरा बत तू आ फेरिया, साडा ते अकीदा है वे हाजी ओ आओ, आजियो आओ शहनशाह करो जा, देखो वे हाजियो आओ शहनशाह करो जा, देखो वे काबा तो देख चुके, काबा तो चुके अब काबे का ताबा, देखो तो सामने जीव करना ना, असी ते काबे दी भी पूजा नहीं करते, तू कबर दी पूजा किवें कह सकना है। असी ते ओए पत्थर दी पूजा नहीं करते, असी ते नबी दी भी पूजा नहीं करते, असी नबी नु भी सजदा जायज नहीं समझते, असी सजदा नबी दे खुदा नु करने आ, असी ते अल्लाह दी इबादत करने वाले। तो या रब्बुल आलमीन तू ते है ही कल्ला, तेरे तो सिवा ना कोई इबादत दी लायक है। मौला तू जेड़ा अल्लाह शरीक है, ना तेरी जात अंदर कोई शरीक है, ना तेरी सिफात अंदर, तेरियां सिफतां जाती ते हकीकी जिन्नू जो मिलिया मौला तू अता कीता है। या रब्बुल आलमीन तू फरमाना प्यावारा पाना, हमने जमा उलमा फरमाने दो वजह, एक जमा ताजीम वास्ते जेड़ा ताजीमन रब ने फरमाया हमने बुलंद किया, ये जमा ताजीम वास्ते सारियां इज्जतां मेरे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वास्ते। तू जी फरमाना ना है मैं कल्ला मगर बारा पाना, लाका जिक्र जो नबी का जिक्र करना होवे लोग आखन गए एवं इकट्ठिया हुंदे हो पै, एवं इज्तमा कर दियो, एवं तुसी छंडे ला दियो, रोशनियां कर दियो, लंगर पकांदे हो, ओ सुनियो तुसी रियाकारी कर दियो, वखाला कर दियो, तुसी जेड़ा मिल इकट्ठिया होके नबी दा जिक्र इंज कबूल नहीं हुंदा, इंज इकट्ठिया होके नबी दा जिक्र करना किसे दलील नहीं। मैं क्या चल मुंह परा कर तेनू की पता होवे, ओ रब कल्लियां होके जदों जिक्रे मुस्तफा होवे, रब आंदा मैं कल्ला मगर बारा फाना, लाका जिक्र जदों नबी दा जिक्र करना होवे मैं कल
ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਲਾਹ ਵਾ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲਨ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੂਹਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮੂ ਤਸਲੀਮਾ मगर जो नबी का जिक्र करना हो मैं कल्या नहीं करता मैं भी करना मेरे मलाइका भी दरूद भेजते ने अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ मोमिनो तुसी भी रल के नबी का जिक्र कर सो इज्तमाई तौर पर जिक्र मुस्तफा करना मेरे रब की सुन्नत ਲੋਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਾ ਫਾ ਨਾ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਰੱਬ ਕੱਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਜ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਆਪ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਮਗਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰ ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮੀ ਹੂੰ ਜਮੀਲੇ ਕਾਦਰੀ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਇਜਤਮਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮੀ ਹੂੰ ਜਮੀ ਕਾਦਰੀ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਮਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਊਂ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਖੁਲੇ ਅੱਖ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਸੋਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ਾ ਗੂੰਜੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੌਫੀਕ ਵਾ ਮੰਗਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖੋਏ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾ ਤੋ ਮੈਂ ਵੋ ਸੁਨੀ ਹੂੰ ਜਮੀਲੇ ਕਾਦਰੀ ਮਰਨੇ ਮੈਂ ਵੋ ਸੁਨੀ ਮੈਂ ਵੋ ਮੈਂ ਵੋ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾ ਤੋ ਸਲਾਮ ਓਏ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾ ਤੋ
असी ते यही आखांगे अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सैयद अल अरबी वल अजम अस्सलातो वस्सलामु अलैका या इमाम अल अंबियाई वल मुर्सलीन अस्सलातो वस्सलामु अलैका या शफी अल मुजरिमीन अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सैयद अल अंबियाई वल मुर्सलीन अस्सलातो वस्सलामु अलैका या खातमल अंबियाई वल मुर्सलीन में लाशा पी कहेगा अस्सलातो बनी इसराइल दा बंदा जिन्ने कदम कदम ते गुनाह कीते कदम कदम ते लगशां सारे जुर्म सारे ऐब बद किरदारी करदा रिया जदों मर गया रब्बे जुलजलाल दी बारगाह दे अंदर हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैह सलाम आप हाजिर होए रब्बे जुलजलाल ने फरमाया ए मेरे प्यारे कलीम अज मेरा बरगजीदा मेरा जन्नती बंदा अज दुनिया तो टुर गया ओदे कफन दफन दा इंतजाम करो हजरत मूसा वापस लौट आए जदों बस्ती च पहुंचे बस्ती वालियां नू पुछया ओए बस्ती वालियो इथे अल्लाह दा बरगजीदा बंदा केड़ा है जिहड़ा अज दुनिया तो चला गया है बस्ती वालियां ने अर्ज कीती प्यारे कलीम ओए ओ ते ऐ वी गुनाह इंज वी करदा रिया इंज वी करदा रिया जुल्म करन वाला गुनाह करन वाला इन्ने सारे जुल्म ते गुनाह करदा रिया है हजरत मूसा हैरान हो गए ओए बस्ती वालियां लोकां दीआं गवाहियां और ने रब आंदा है मेरा जन्नती बंदा मेरा महबूब मेरा बरगजीदा बंदा हजरत मूसा अलैह सलाम ने आपने जड़ा गुसल दिता कफन दिता दफना के रब दी बारगाह च हाजिर हो गए जाके अर्ज कीती या रब्बल आलमीन अज गल दी समझ नहीं आई फरमाया हां मेरे कलीम की पूछना चाहने सोनिया रब्बा जिनू जू बरगजीदा कहने लोकां दीआं गवाहियां ए ने ए ते गुनाहगार सी सियाह कौर सी बदअमाल सी रब ने फरमाया लोकी भी सही आंदे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇਰਾ ਜੰਨਤੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਲੀਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪੜਦਾ ਏ ਪਿਆ ਪੜਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਾਂ ਚੁੰਮਿਆ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਓਏ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾ ਵੀ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਫਿਰ ਜੰਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੀ ਹੂੰ ਜਮੀਲੇ ਕਾਦਰੀ ਮਰਨੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਓਏ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਵਰਫਾਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਹਮ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੁਨਤ ਪੇ ਅਮਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਾ।
जिक्र करते हैं। मेरा अल्लाह अपने नबी के सदके में इस महफिल पाक की बरकत से जिस मकसद के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया गया अल्लाह वो नेक मकसद पूरा फरमाए। मोहम्मद इमरान साहब के मरहूम वालिदैन बौजदाद इनकी भाभी और इनके जितने रिश्तेदार हैं और हम सब जो यहाँ बैठे हैं और बिलखसूस जनाबे पीर तरीकत राहबरे शरीयत जनाबे पीर सैयद मीर तैयब शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब सलाम बस सलाम के दो शेर उसके बाद फिर इसाले सवाब के लिए दुआ फिर उसके बाद इख्ताम इंशाल्लाह वमा अलैया खड़े होकर भाई सलाम दो शेर मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज में हिदायत पहला खो सलाम शमाए बज में हिदायत पे वक्त गुजरा है जो आपकी याद में वक्त गुजरा है जो आपकी याद में इस घड़ी की सआदत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज में हिदायत पहला को सलाम चेहराए मुस्तफा असल कुरान है चेहराए मुस्तफा असल कुरान है आशिकों की तिलावत पहला खो एक दफा सूरह अलहमद तीन दफा सूरह इखलास और अब खुदी पढ़ के मेरे मिलत कर दें तशरीफ रखें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا الله يا رب يا رحمان يا ذل جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا نور السماوات والارض يا رب يا حنان يا منان يا رب العرش العظيم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا رب العالمين جو پڑھا گیا جو ذکر و اذکار ہوا جو میرے ملک ہوا अपने नबी के सदके इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका अजर अपने शान करीमी के मुताबिक अता फरमा। या इलाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम की बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा। जमी असहाब रसूल बिलखसूस खुलफाए राशिदीन की बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा। जमी अजवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखसूस सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे करीम आका के बावजूद बिलखसूस आपके वालिदैन करीमैन के बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद पाक साहबजादे साहबजादियाँ तमाम नस्ल पाक बिलखसूस हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा। या इलाही तमाम सहाबा ताबईन तबा ताबईन औलिया उम्मत उलमाए हक आइम अरबा महल बैत सबकी बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा। बिलखसूस मैं जनाब हज़रत क़िबला पीर सैयद मीर तैयब शाह साहब
बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी रूह को इसाले सवाब करता हूँ, कबूल फरमा। मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आस्तान अलिया करमा वाला शरीफ के जितने बुजुर्ग दुनिया से पर्दा फरमा गए, मौला सब के दर्जात को बुलंद फरमा, सब के फैज़ को क़यामत तक जारी सारी फरमा। आस्तान आलिया को फैज़ को क़यामत तक जारी सारी फरमा। या रब्बल आलमीन, जो मोहम्मद इमरान के जो भाभी जान हैं, इनके वालदैन हैं, इनके बावजदाद, इनके जितने रिश्तेदार दुनिया से चले गए, मौला सब की रूह को एहसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा, सब की बख्शी फरमा। हम जो इस वक्त तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं, मौला हमारे जो कोई रिश्तेदार, बहन भाई, वालदैन, बावजदाद जो दुनिया से रुखसत हो गए, बिलखसूस अपने वालद करीम रहमत की बारगाह में नबी के सदके पेश करता हूँ, कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम उम्मत मुसलमान जिसका कोई दुआ करने वाला नहीं मौला, उसके लिए भी दुआ करते हैं, कबूल फरमा। जो चले गए उनको बख्श दे, हम जो जिंदा हैं हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, मौला सब की नेक तमन्नाएँ और दुआएँ कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, एक भाई के वालिद बीमार हैं मौला नबी के सदके, वालदा बीमार है मौला नबी के सदके, उनको सेहत कामिला आजल अता फरमा। जिनके वालदेन चले गए सबको बख्श दे, जिनके ज़िंदा उनका साया तादेर बा सेहत सलामत फरमा। रब्बल आलमीन, हर रूहानी जिस्मानी बीमारी और वबा से हमें पनाह अता फरमा। मौला बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं मौला, अपने नबी के सदके में औलाद नरीना अता फरमा। या रब्बल आलमीन, नबी के सदके में औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह पाक, नबी अलैहिस्सलाम का सदका हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते अपने नबी के सदके, नबी की आल के सदके। नबी मोहम्मद इमरान साहब को मौला नबी के सदके औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो साहब औलाद है उनकी औलादों की हिफाजत फरमा, इल्म नाफे उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। हम सब के जाने अनजाने में जो गुनाह हुए मौला नबी के सदके दरगुजर और मुआफ़ फरमा। हमारे गुनाहों की वजह से हम पे अजाब नाजल ना फरमा, तो नबी के सदके हमें हर अजाब से, हर जिल्लत किल्लत से मौला पना अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, हमें अपने सिवा किसी गैर का मोहताज न बना, तेरे बंदे तेरे मोहताज रहे, रिज़्क़े हलाल में वुस्सत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मौला जिन्होंने इस महफिल पाक का इंतजाम किया, इंसराम किया, या रब्बल आलमीन, इस इंतजाम इंसराम में शिरकत करने वाले, खिदमत करने वाले, महफिल पाक को सजाने वाले, सुनने सुनाने वाले, मौला सबके घर में खैर बरकत का नज़ूल फरमा। न्यू शरीफ कंपनी और इनके तमाम मार्केट में जितने अफराद हैं, मौला सबको रिज़्क़े अलावा अता फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा। पाकिस्तान पे, आलम इस्लाम पे रहम करम फरमा। या रब्बल आलमीन, नबी के सदक़े में जो बातें ज़ुबान पे आ नहीं सकती, तो दिलों के ख्यालों को जानता है। या अलीमुम बिज़ाति सुदूर, आतनी माफ़ी ज़मीरी बिहुरमत सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाही, सब के हाल पे रहम फरमा, सब के गुनाह माफ़ फरमा, बेहतर बाइज़त रोज़गार अता फरमा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओं को घरों में आबाद फरमा। सईदा पाक के सदके मौला उनकी शर्म व हया को कायम फरमा। मौला हमारी नज़रों में हया पैदा फरमा। इरहमना या अरहमर राहिमीन। या अलीमुम बिज़ाति सुदूर, आतनी माफ़ी ज़मीरी बिहुरमत سيد الانبياء والمرسلين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين الهي بحق بني فاطمه کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان علی رسول منو دست و دامان علی رسول وصلى الله تعالى على رسوله خير خلق هي سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبيته अजमाइन बिरहमती का यार रहमीन। भई इंतज़ामिया की तरफ से आपके लिए सरकार के लंगर का इंतज़ाम है, लेके जाइएगा, बेहतरीन लंगर है और इसमें कई बीमारियों की सरकार के लंगर में ही शिफा है। आप अहबाब तमाम जो है बैठ के आराम से लंगर लेके जाइएगा। जज़ाकअल्लाह भाई, इतनी कतारें बना लें आमने सामने ताकि इंतज़ामिया के दोस्त आपके सामने लंगर रख सकें।